फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ रायते की रेसिपी। इसमें मैं बूंदी का रायता शेयर कर रही हूँ। रायते कई तरीके के बनाए जाते हैं, लेकिन बूंदी का रायता होता है वो सदाबहार होता है, तो आज उसी की वीडियो में लेकर आई हूँ। इसके लिए आधा किलो दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फैट लिया है और दही गाढ़ा था तो मैंने एक कप उसमें पानी ऐड कर दिया है। और लम्स न रहे बिल्कुल दही के अंदर, तब तक उसको अच्छे से फैटना है। उसके बाद में मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे, तो काली मिर्ची पाउडर डाला है। आपके पास रायता मसाला हो तो वो भी यूज कर सकते हो। आधा चम्मच डाला है मैंने काला नमक और आधा ही चम्मच डाला है मैंने इसमें सफ़ेद नमक। और ये भुना हुआ हींग और जीरा था जिसको मैंने पीस कर रख रखा है, उसको भी डाल दिया और अच्छे से इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद में एक छोटी कटोरी ली है एक बूंदी की, उसको डाल दिया है मैंने और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट कर रखना होगा जिससे ये बूंदी अच्छे से फूल सके। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे, इसको अच्छे से बूंदी फूल गई है। मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी जिसमें मुझे इसको सर्व करना है। तो देखिए मैं इसको डाल दूंगी बाउल के अंदर और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपके घर पर किस टाइप का रायता खाते हैं, गाढ़ा खाते हैं, पतला खाते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग बना सकते हो। उसके बाद में मैंने रख दिया एक तड़का पैन, एक आधी चम्मच के करीबन मैंने इसमें तेल डाल दिया, तेल ज़्यादा यूज मत करना। उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया राई और मैंने कड़ी पत्ता, उसका मैं तड़का लगा रही हूँ इसके अंदर। आप चाहो तो नॉर्मल भी बना सकते हो। उसके बाद में मैंने कुछ ऊपर से मैंने इसमें डेकोरेट किया था लाल मिर्ची और पिसे हुए हींग जीरे के साथ। तो फ्रेंड, झटपट बनने वाला ये रायता तैयार है। आजकल